नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों के नाक में दम करने वाले टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अश्विन ने रोहित शर्मा को महान बल्लेबाज बताते हुए ये कहा कि वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा एक दिन टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर अश्विन ने रोहित शर्मा को लेकर कहा, जब आप उनको वीरेंद्र सहवाग और अन्य नामों की लिस्ट में रखते हैं तो फिर ये उनके लिए सही जगह है, वो उसी स्तर के प्लेयर हैं। सबको पता है कि रोहित शर्मा को काफी लंबे अरसे से मैं जानता हूं। शायद 20 साल पहले जब मैंने उन्हें बल्लेबाजी करते वक्त देखा था तब भी वो स्पेशल बल्लेबाज थे। यह सरप्राइज नहीं है कि आप उन्हें सहवाग की श्रेणी में देख रहे हैं। रोहित शर्मा जो कर रहे हैं उससे कोई हैरान नहीं है, वो एक स्पेशल क्रिकेटर है और स्पेशल बल्लेबाज है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वो भारत के लिए वर्ल्ड कप का खिताब जीते। आपको बता दें, रोहित शर्मा को साल 2011 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी, उनकी जगह यूसुफ पठान को चुना गया था। हालांकि अब रोहित शर्मा के पास टेस्ट का वर्ल्ड कप जीतने का मौका है, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने का मौका है। रोहित शर्मा के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम अब 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। यह मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।